अग्निपथ पर सात राज्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आप देख रहे हैं आज तक। राजनाथ सिंह को आखिरकार अपील क्यों पढ़नी पड़ी गई, ये देशभर से आ रही तस्वीरें बताने के लिए काफी है। 15 जून से ही देशभर में इस योजना को लेकर युवाओं ने गदन मचा रखा है। आज स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। आज सुबह से ही कई जगहों पर आगजनी का मंजर दिख रहा है। खासतौर पर बिहार में हालात ज्यादा विकराल है। युवाओं के खास निशाने पर रेलवे है। ये सात राज्यों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। हरियाणा से भी कुछ वैसी ही तस्वीरें निकल कर आई। उत्तराखंड में भी लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी कुछ वैसी तस्वीरें आई। राजस्थान में भी लोग विरोध कर रहे हैं और दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी वही तस्वीर, वही बिहार की में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लखीसराय, बक्सर, जहां पर ट्रैक पर टायर जलाया गया है, रेलवे स्टेशन पर बलिया में तोड़फोड़ हुई है। गाजियाबाद की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए अब युवा नजर आ रहे हैं। वहीं अलीगढ़ की भी तस्वीरें जरा देख लीजिए, यहां पर भी लोग सड़कों पर हैं और लगातार अग्निपथ योजना को लेकर विरोध चल रहा है। अग्निपथ योजना पर राजनाथ सिंह की अपील भी सामने आई है, जिस अपील में वो शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तैयारी करें, शांति बनाए रखें युवा। ये बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं, वो राजनाथ सिंह जिन्होंने योजना का शुभारंभ किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये योजना युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर है, लेकिन वो युवा जिनके भविष्य की बात सरकार कर रही थी, इन युवाओं को अपना भविष्य इस योजना में नजर ही नहीं आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद, यानी आप 4 साल के लिए रोजगार देंगे, उसके बाद हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। जिस पर सरकार ने अब कई बातें क्लियर करने के लिए नोट बाकायदा लिखा है। राजनाथ सिंह किस तरीके से अपील कर रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं।